टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने मंदिर के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले अल्ताफ शेख को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में स्थानीय निवासी महेश पाटिल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अल्ताफ शेख, जो मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा का रहने वाला है, इसने फेसबुक पर कमेंट किया था और मंदिर के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। ये उस कमेंट का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, मगर इस कमेंट में जो लिखा गया है वो हम आपको पूरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि इस कमेंट को देखते ही स्थानीय लोगों ने अल्ताफ शेख को पकड़कर मुंब्रा पुलिस को सौंप दिया है। वहीं मुंब्रा पुलिस अल्ताफ शेख पर FIR दर्ज कर रही है और इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल भी की जाएगी। लेकिन वहीं मुंब्रा पुलिस का साफ कहना है कि मुंब्रा शहर का कोई भी व्यक्ति अगर माहौल खराब करने की कोशिश किया या सोशल मीडिया के जरिए कुछ अभद्र टिप्पणी किसी भी तरह की धार्मिक रंग रूप देकर मुंब्रा शहर का माहौल अगर खराब करने की कोशिश की तो मुंब्रा पुलिस उसे बख्शेगी नहीं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अल्ताफ शेख ने जिस तरह से मंदिर को लेकर कमेंट किया और स्थानीय निवासियों ने जिस तरह से उसे बड़े ही समझदारी के साथ मुंब्रा पुलिस को सौंप दिया और मुंब्रा पुलिस अल्ताफ शेख पर FIR दर्ज की है, और जो स्थानीय निवासी हैं महेश पाटिल, उन्होंने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पाटिल है। क्या पूरा मामला क्या हुआ था यहाँ पे? एक अल्ताफ शेख करके जो लड़का है, उन्होंने भगवान के नाम पे कुछ अपशब्द यूज़ किया है और कमेंट करके वो वायरल कर दिया, जिसके वजह से हम लोग ने उनको पुलिस स्टेशन में ला के जमा करवाया। पुलिस लोग ने उनकी कार्रवाई शुरू की है। सिर्फ हम लोग का इतना ही कहना है कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो और अच्छी तरह से उसकी सज़ा मिले, कि जिससे दूसरा कोई ऐसा भगवान के ऊपर या किसी के ऊपर गलत कमेंट या गलत कायदा छोड़ के बात ना करें। पुलिस ने कुछ आप लोगों का बयान वगैरह लिया है? बयान तो लिया है उन्होंने। अच्छा। जो FIR वगैरह कुछ दर्ज हुई है? हाँ जी, हाँ जी, तो उसके FIR चालू है। उसका जो कलम कायदे अनुसार उसका उसके कलम लगाया जाएगा और वो हमें दिया जाएगा उसका थ्रू।